भाई लोग, क्या हालचाल? एकदम बढ़िया। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अगर जो भी नया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बॉक्स देख के पता तो चल ही चुका होगा कि हम कौन से मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो गाइस, हमारे पास है अभी वीवो का V20 SE, जिसको आके लगभग 1.5-2 महीना तो हो चुका है, लेकिन क्या करें, अभी हमको मिला है तो कर लेते हैं भाई अनबॉक्सिंग। आप बोल रहे थे करो भाई कोई ना कोई मोबाइल का अनबॉक्सिंग, सो कर लेते हैं भाई। जितने अवेलेबल है गाइस ऑफलाइन स्टोर में, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका एड्रेस भी दे दिया है। अगर आप औरंगाबाद में रहते हो तो जाकर ले सकते हैं, ऑफर डिस्काउंट चलता रहता है। तो गाइस, इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है वीवो का V20 SE, और बॉक्स आपको इस तरह से डार्क ब्लू टाइप में दिखाई देता है। सो बहुत ही बढ़िया बॉक्स है। सो इसके ऊपर लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास है 8 GB, 128 GB वाला वेरियंट, 8 GB रैम और 128 वाला वेरियंट है। 32 MP सुपर नाइट सेल्फी कैमरा, 33 W का फ्लैश चार्जर, 48 MP रियर कैमरा। सो चलो गाइस, इसका कर लेते हैं अभी अनबॉक्सिंग, थोड़ा सा इसका काम तमाम कर लेते हैं। तो लेट्स गो। तो हमारे पास तो भाई कटर नहीं है, तो अभी ब्लेड बत्ती से ही काम चलाना पड़ेगा, और इससे बहुत ही बढ़िया से कट जाता है। तो ओके गाइज, यहाँ पर हमने अनबॉक्स कर लिया है, और यहाँ पर आपको इस तरह से V20 SE का यहाँ पर कुछ तो देखने को मिल जाता है। अगर इसको हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि हमारे कुछ काम के नहीं है। तो देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसको साइड में रखते हैं तो आपको एक केस देखने को मिल जाता है, जो कि बैक केस। तो इसे लगा कि आप थोड़ा सा मोबाइल को प्रिवेंट कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजन के लिए। तो ये हर कोई मोबाइल वाला देता है, लेकिन ठीक है, डिसेंट क्वालिटी है, इतना भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। तो चलो भाई, अभी बाद में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल हैंडसेट देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, इसके ऊपर आएंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसके नीचे, तो आप देख सकते हो एक आपको 33 W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवो की तरफ से। सो बहुत ही बढ़िया, मतलब लगभग आपका आधा घंटे में 60% अब चार्जिंग हो जाता है इस चार्जर से, बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एक टाइप सी का चार्जर कॉर्ड भी देखने को मिल जाता है। सो चलो, अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीवो की तरफ से हेडफोन देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं गाइस, वीवो की तरफ से आपको बहुत ही बढ़िया हेडफोन, जो कि बाकी मोबाइल वाले देते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देते, लेकिन वीवो वाले अभी भी आपको ये हेडफोन देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। अभी इन सभी को हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। और चलो भाई लोग, यहाँ पर अभी हैंडसेट के बारे में मैं पूरा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका कवर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, सो आप देख सकते हैं। चलो भाई निकल जा। तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से हैंडसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम ग्लोसी टाइप का है यार, चमक रहा है बहुत ही बढ़िया से। तो बहुत ही शाइनी है, बैक आप देख सकते हैं पॉलीकार्बोनेट की बैक है, और उसी के साथ यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसकी थिकनेस भी बहुत ही यार हाथ में तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वेट 171 ग्राम का है इसका, तो बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद गाइस, यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं इसके बटन्स और साइड का, तो सब कुछ तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है एक 3.5 mm का जैक, उसी के साथ एक प्राइमरी माइक देखने को मिल जाता है, उसके साइड में टाइप सी चार्जर का पोर्ट देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ यहाँ पर आपको स्टेरियो स्पीकर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर नीचे की साइड एक स्पीकर है। उसके बाद गाइस, लेफ्ट साइड में तो आपको पूरा एकदम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा साफ सपाट है। उसके बाद ऊपर की तरफ आते हैं, तो ऊपर की तरफ आपको एक नॉइज कैंसलेशन माइक देखने को मिल जाता है, नॉइज कैंसलेशन, और उसी के साथ एक सिम इजेक्टेड ट्रे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, सिम ट्रे। तो चलो इसको भी खोल के दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरह से आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है मेमोरी कार्ड डालना है अगर आपको, तो यहाँ पर तो डुअल नैनो सिम के साथ एक डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है सिम कार्ड, अपना मेमोरी कार्ड डालने के लिए। सो बहुत ही बढ़िया है, ये तो हर एक वीवो के फोन में आपको ये डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया बात है हमारे लिए। ओके, तो अभी गाइस यहाँ पर इस मोबाइल को ऑन करके पूरा अपन देख लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में इसके अंदर। तो ओके भाई लोग, यहाँ पर अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फंटस ओएस 11 आपको देखने को मिल जाता है। ये अगर आप स्टार्टिंग में लोगे तो एंड्रॉइड 10 के साथ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको अपडेट अभी मिल जाएगा क्योंकि 2 महीने पहले ही आ चुका है ये मोबाइल, तो एंड्रॉइड 11 का अपडेट यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, तो आप इसे एंड्रॉइड 11 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई सॉफ्टवेयर की बात। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कनेक्टिविटी में डुअल बैंड वाईफाई के साथ, उसी के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.0
और उसी के साथ 12 4G OLTE सपोर्ट के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ कहीं अगर हम बात करें यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 8 GB LPDDR4X रैम देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ 128 GB का UFS 2.1 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। सो ये UFS 2.1 बहुत ही बढ़िया है, आप इसे ले सकते हैं। इसके प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, 20,990 में आपको ये वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो गाइस इसके अंदर अगर सेंसर की बात करें तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिंगरप्रिंट यहाँ पर जल्दी से स्कैन हो जाता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, और ये आपको करने में मजा भी आ जाएगा, अंडर डिस्प्ले दिया है। और उसी के साथ गाइस इसके स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर आपको नीचे के साइड में एक सिंगल ऑडियो स्पीकर ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पर अभी अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाता है इसका 6.44 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ गाइस यहाँ पर आपको Full HD+ का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और अगर इसके वीडियो और कलर की बात करें डिस्प्ले में, तो बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम कलर गलर एकदम आपको अच्छे से दिख जाता है यहाँ पर अगर आप वीडियो देखोगे। और उसी के साथ ब्राइटनेस भी बहुत ही बढ़िया है, अगर आप इसके ऊपर ब्राइटनेस बढ़ाकर देखते हो तो बहुत ही बढ़िया आपको दिख जाता है आउटडोर और इंडोर दोनों में भी। सो गाइस यहाँ पर हो गई हमारी डिस्प्ले की बात, अभी बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर ठीक ठाक से आपका गेमिंग हो जाता है, लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए ही मोबाइल लेना है तो इसी बजट में आपको बहुत ही बढ़िया गेमिंग फोन भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जस्ट कैजुअल यूज के लिए या डेली यूज के लिए या वीवो के फैन हो तो आप इसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिल जाता है 4100 का, यहाँ पर आपको बैटरी 4100 mAh का बैटरी आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ 33 वाट का फ्लैश चार्जर आपको देखने को मिल जाता है, और अगर बात करें ये 33 वाट का चार्जर आपका 30 मिनट में 60% के ऊपर यहाँ पर बैटरी मोबाइल की चार्ज कर देता है, और 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी बैकअप अच्छा दे देता है, और मोबाइल चार्जिंग भी आपका बहुत ही फास्ट हो जाता है। और अगर इसके कैमरे की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आपको 48 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का माइक्रो कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर पंच होल सेल्फी कैमरा है 32 MP का, जो कि बहुत ही बढ़िया दिया है। यहाँ पर मैं अगर बात करें इसके प्राइस की, तो ये प्राइस रेट में आपको 8 GB वाला वेरिएंट आपको 20,990 लगभग 21,000 में आपको देखने को मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको वहां पर कोई ना कोई कार्ड डेबिट कार्ड कार्ड पे आपको ऑफर मिल ही जाता है। सो जाकर आप एक बार जरूर चेक कर लेना अगर आप लेना चाहते हो। मेरा सजेशन अगर देखा जाए तो अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसे ना ले, अगर हाई हेवीली गेमिंग करते हो तो, और अगर आपको जस्ट ऐसे ही सभी यूज के लिए करना है लेना है तो आप इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके प्राइस थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा, क्योंकि इस रेंज में आपको और भी अच्छे से मोबाइल देखने को मिल जाते हैं मार्केट में। अगर आपको वीवो के फैन है तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन इसका थिकनेस और ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब अच्छा लग रहा है यार एकदम, मतलब बहुत ही बढ़िया से आपको ये देखने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया फोन है, स्लिम है और अच्छा है, ठीक ठाक है। डिस्प्ले भी आपका यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से है, तो आप इसे ले सकते हैं अगर जस्ट कैजुअल यूज के लिए लेना है, फोटो गीटो वीडियो बनाना है, कैमरा अच्छा है इसका, सो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस यही था, और अगर आपको मेरी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो एक लाइक एंड शेयर तो बनता है, और मिलते हैं कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।